स्क्विड गेम सीजन 2 का टीजर आज सुबह हमें देखने को मिला। इस टीजर को स्क्विड गेम सीजन 1 अनरिलीज्ड क्लिप की तरह दिखाया गया है। नेटफ्लिक्स टूडूम इवेंट में स्क्विड गेम सीजन 2 के इस टीजर के साथ हेलबाउंड सीजन 2 का टीजर भी दिखाया गया और मनी हाइस्ट कोरिया पार्ट 2 का टीजर भी हमें देखने को मिला। और इन सभी टीजर्स को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। कैसे दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले शुरू करते हैं स्क्विड गेम के इस नए टीजर को। इस टीजर में सबसे पहले तो डायरेक्टर वांग डोंग युक सीजन 1 की सक्सेस के लिए सभी फैंस और नेटफ्लिक्स को थैंक यू कहते हैं और इस साल के टूडूम इवेंट के लिए स्क्विड गेम के फैंस के लिए एक गिफ्ट लेके आते हैं जो सीजन 1 की एक अनरिलीज्ड क्लिप थी। क्लिप शुरू होती है और हमें दो गोल्ड फिश दिखती हैं और उन्हें कोई अपने अपार्टमेंट में ले जा रहा है। अपार्टमेंट के अंदर जाने के बाद वो मिस्टीरियस आदमी दोनों फिश को फिश बोल में रख देता है और फिर कैमरा का फोकस उसी मिस्टीरियस आदमी पर जाता है और हमें ये दिखता है कि वो इन हो है। अगर आपको याद होगा तो इन हो का ही दूसरा नाम इस सीरीज में फ्रंटमैन था। और ये सीजन 1 का अनरिलीज सीन स्क्विड गेम सीजन 1 खत्म होने के बाद का ही सीन होगा जहां पर फ्रंटमैन वापस अपने घर आया होगा। अब आप यही सोच रहे होंगे कि स्क्विड गेम का फ्रंटमैन आखिर इतने छोटे से अपार्टमेंट में क्यों रहता है, तो इसका आंसर एक ही होगा कि वो अब सिंपल लाइफ में ही रहना पसंद करता होगा क्योंकि अब उसके पास और कुछ भी नहीं बचा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गी हुन गेम्स जीतने के बाद सिंपल लाइफ जी रहा था। आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इन हो का ये सीन उसकी बैक स्टोरी का फ्लैशबैक सीन हो सकता है जब उसने 2015 वाली स्क्विड गेम जीती थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इसी के बारे में मैं आगे में आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले इस क्लिप को आगे और देखते हैं। ये सीन है फिश इन ए बोल और फिश इन द बोल इंग्लिश लैंग्वेज का एक मेटाफर है और फिश इन द बोल का मतलब है एक ऐसी जगह या ऐसी सिचुएशन जहां पर किसी को भी प्राइवेसी नहीं मिलती। और ये मेटाफर इनहो की लाइफ का भी हिंट है क्योंकि अब वो स्क्विड गेम में इतनी बुरी तरह फंस चुका है कि अब उसकी प्राइवेसी उसके पास नहीं बची है। चाहे वो कुछ भी करे उस पर हमेशा नजर बनी रहेगी। और यही फिश इन द बोल मेटाफर गीहुन पर भी अप्लाई होता है क्योंकि वो जहां भी जाए और जो कुछ भी करे फ्रंटमैन और स्क्विड गेम की नजर हमेशा उस पर बनी रहेगी। उसके बाद उसी अपार्टमेंट के बाहर का सीन दिखता है और इस जगह पर कोरियन में कुछ लिखा हुआ है। मैंने इसे गूगल सर्च पर ट्रांसलेट किया और वहां पर साइबर 13 का रिजल्ट आया जिसका रिलेशन मुझे इस सीरीज से कुछ भी नहीं मिला। अगर आपको कुछ समझ आया हो तो मुझे कमेंट्स में बताना। उसके बाद ये कैरेक्टर इनहो के अपार्टमेंट को देख रहा है लेकिन उसकी पूरी शक्ल हमें नहीं दी, बट फेस स्ट्रक्चर से तो ये क्लियर हो जाता है कि ये कैरेक्टर जुनहो का ही कैरेक्टर है। और जैसा कि हमने सीरीज में देखा था, जुनहो ही फ्रंटमैन इनहो का भाई था। और जैसा कि मैंने आपको स्क्विड गेम सीजन 2 की थ्योरीज के बारे में बताया था, जुनहो को फ्रंटमैन ने शोल्डर पर गोली मारी थी ताकि वो अपने भाई को बचा सके। और इस नए सीन से ये क्लियर हो जाता है कि जुनहो उस गोली के लगने के बाद जिंदा बच गया था और वो उस आइलैंड से सही सलामत वापस भी आ गया था और वापस आकर उसने फिर से अपने भाई की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। ये सीन इनहो की बैक स्टोरी का बिल्कुल भी नहीं है। ये सीन सीजन 1 का ही सीन था जो सीजन 1 से कट कर दिया गया था। और ये सीन अगर इस सीरीज में होता तो लास्ट एपिसोड के लास्ट में ही हमें दिख और इस सीन से हमें सीजन 2 का हिंट भी मिल चुका होता। लेकिन इस सीन को सीरीज में ना रखना ही अच्छा डिसीजन था क्योंकि अगर ये सीन इस सीरीज में होता तो जुनहो और इनहो के बीच के क्वेश्चंस सीरीज खत्म होने के बाद बिल्कुल भी नहीं होते। लेकिन अब इस सीन को ऑफिशियली रिलीज करने के बाद डायरेक्टर का हम सब के लिए यही हिंट हो सकता है कि सीजन 2 का वन ऑफ द मेन प्लॉट्स में से एक इनहो की स्टोरी का प्लॉट होगा। और ये भी हो सकता है कि मनी हाइस्ट की ही तरह प्रेजेंट और फ्लैशबैक्स का मिक्स हमें अगले सीजन में देखने को मिले जहां पर फ्रंटमैन इनहो की बैक स्टोरी के फ्लैशबैक्स हमें दिखेंगे। सीजन 2 की रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है। मेरे हिसाब से 2023 के एंड से पहले ये सीरीज हमें देखने को नहीं मिली। वैसे आपको क्या लगता है कि ये क्लिप सीजन 1 की एंडिंग का सीन है या फिर इनहो की बैक स्टोरी का सीन, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसी टूडूम इवेंट में हमें पिछले साल की एक और सुपर हिट कोरियन सीरीज हेलबाउंड के सेकंड सीजन का बहुत छोटा सा टीजर भी देखने को मिला और यही सेम टीजर हेलबाउंड सीजन 1 की एंडिंग में भी था जहां पर इसी क्लिप हैंगर सीन के बाद सीजन 1 खत्म हुआ था और अब इसी स्टोरी को आगे सीजन 2 में कंटिन्यू किया जाएगा। ये सीरीज 2023 में आएगी ये भी कंफर्म हो चुका है। अगला टीजर था मनी हाइस्ट कोरिया पार्ट 2 का। इसके दूसरा पार्ट तो छोड़ो, पहले मुझे कोई ये समझाओ कि इसका पहला पार्ट ही क्यों बना था। मनी हाइस्ट जैसी सीरीज को फिर से बनाना बिल्कुल ही गलत डिसीजन था। और इस पार्ट 2 के टीजर में ये कैरेक्टर कौन है मुझे गूगल सर्च करने के बाद ही याद आया। क्या आपको मनी हाइस्ट कोरिया अच्छा लगा था या नहीं, मुझे कमेंट्स में बताना। मुझे लग रहा था कि इस इवेंट में ऑल ऑफ अस आर डेड सीजन 2 का भी कोई ना कोई हिंट या टीजर देखने को मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन इस इवेंट को ऑल ऑफ अस आर डेड की नामरा ही होस्ट कर रही थी और सीजन 2 आने वाला है ये भी ऑलरेडी कंफर्म हो ही चुका है। मेरी स्क्विड गेम्स की सभी वीडियोस देखने के लिए यहां पर क्लिक करो और ऑल ऑफ अस आर डेड और बाकी नेटफ्लिक्स सीरीज देखने के लिए यहां पर क्लिक करो। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉयिंग।